क्या हाफिज को खत्म तरावी के बाद हदिया देना जायज है? जायज है। किसने मना किया मत दो, लेकिन ये देगा कौन? नमाजी बंदे देंगे, पर्सनल नमाजी, पर्सनल नमाजी बंदे और इमाम। हदिया दो, नजराना दो, जो चाहे दो, सब जायज है, मगर देता कोई नहीं। ये मसले वही पूछते हैं जिनको नहीं देना। ये मसले पूछने वाले सब वही होते हैं जिनको देना नहीं। बाकी दो वो हमारी खिदमत करते हैं, हमारी भी कोई जिम्मेदारी है कि उनकी खिदमत करें, मगर ये बात इमाम और नमाजी के दरमियान रहे बस, तो जायज है। फिर लोगों से हाफिज के लिए चंदा करना जायज है? नहीं, ये जायज नहीं। पहले से तरावी सुनाने के लिए हाफिज को हायर करना और उसकी तनख्वाह तय करना, ये जायज नहीं। कमेटी से देना उस जगह जहां देने का रिवाज है, जिस इलाके में देने का रिवाज है वहां कमेटी का देना, मस्जिद के फंड से या लोगों से चंदा करके देना, ये जायज नहीं। हमारी फिका में ये कायदा है, अल मारूफ कल मशरूत, जैसे तरावी शुरू करने से पहले उसको हायर करना जायज नहीं, और पांच फर्ज नमाज पढ़ाने के लिए हायर करना, ये जायज। फर्ज नमाजें पढ़ाने के लिए इमाम रखना जायज है। क्यों? अगर इमाम नहीं रखोगे तो मस्जिदों का निजाम बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर मौलाना मूसा साहब भी नहीं होंगे तो जोहर कौन पढ़ाएगा? बड़ा मुश्किल मसला हो जाएगा। और तरावी, तरावी तो अलम तरा से पढ़ सकते हैं, अगर इमाम हाफिज नहीं तो अलम तरा से पढ़ा देगा, उसके लिए हाफिज हायर करने की क्या जरूरत है? बहर तरावी की इमामत यानी कुरान पाक के जरिए से इमामत, कुरान सुनाना तरावी में, उसके लिए इमाम को मुलाजिम रखना, नौकर रखना, हायर करना, ये कोई शरई जरूरत नहीं है, दीनी जरूरत नहीं है। उसके बगैर भी तरावी पढ़ी जा सकती है अलम तरह कई फर्से। इसलिए जैसे तरावी के लिए इमाम को हायर करना जायज नहीं है, इसी तरीके पर बाद में देना और देने का रिवाज हो, मारूफ हो या शर्त हो, तो जैसे शर्त जायज नहीं ऐसे ही मारूफ हो तो भी जायज नहीं। तो बहरहाल कमेटी का देना अपने फंड से, कमेटी का चंदा करके देना, कमेटी का पहले से इमाम के साथ मामला करना, ये सब शक्लें जायज नहीं। लेकिन एक बंदा नमाजी, वो जाने इमाम जाने, मगर देता कोई नहीं। इसी मस्जिद में पहले मैंने ये मसला बयान किया था, किसी ने पूछा था, फिर रमजान खत्म होने पर मैंने हाफिजों से पूछा, अरे तुम्हें किसी ने कुछ दिया? तो एक ने कहा कि एक शख्स ने कुरान शरीफ ला कर दिया है मुझे। अरे कुरान शरीफ तो बेचारे को हिफ्ज है, तुम्हारा कुरान क्या करेगा? वो कोई शख्स हमाइल शरीफ, छोटा हमाइल शरीफ लाकर तीन हाफिजों में से एक को दिया। यह किस्सा इसी मस्जिद का है, हमाइल शरीफ लाकर दिया, उसके अलावा एक पेनी किसी ने किसी को नहीं दी। सिर्फ मसले बगाड़ते हो और पूछते हो, जो जायज है करना तो है नहीं, सिर्फ मसले ही बगाड़ने। ये मेरे भाइयों समझो, वो हमारी खिदमत करते हैं पूरा महीना, तो हमारा हम पर भी कोई लाजिम है जो अल्लाह तौफीक दे, मगर वो इमाम और बंदा जाने, कमेटी और से इसका कोई ताल्लुक, मस्जिद के मैनेजमेंट से कोई ताल्लुक ना हो। चुपके से इमाम ने उसको पकड़ा दिए, एक बंदे ने उसको, इमाम साहब पकड़ा दिया, बस वही जानते हैं ये जायज है और ऐसा करना चाहिए। मैं अभी पूछूंगा रमजान के बाद।